I'm all alone and I need to do it on my own, yeah. Hello guys, welcome back to the channel everyone. So, आज के डेट में हम रिव्यू करने वाले हैं द एवरग्रीन बाइक. गेस कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है. हीरो स्प्लेंडर प्लस. तो यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू रोहन हीरो. अगर आपको भी हीरो का कोई भी गाड़ी देखना हो, एक्सट्रीम देखना हो या फिर आपका स्प्लेंडर देखना हो, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है. कॉल कीजिए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए. नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Life it changes in many different ways, yeah. You turn the page and you see a new day, yeah. Be the same or you go and make a name, yeah. Listen to hate or help someone who's in pain, yeah. We all want love and we all wanna be great, yeah. It's not enough so we keep running the race, yeah. This life is tough if you let it be that way, yeah. Sit back and love your own journey every day, yeah. I got a lot of deep thoughts in my bed, got me feeling like a weak spot in my head, and I ask myself to please stop. Take a breath, need to get all of these deep thoughts out my head, yeah. यार वैसे तो बाइक में थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, लेकिन सबसे पहले मैं इसका प्राइस आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जो कि 64,350 रुपीज से स्टार्ट हो रहा है. ये एक शोरूम प्राइस है. इसके टोटल दो वेरियंट्स हैं. ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका स्प्लेंडर प्लस i3s, सेकेंड वन इज स्प्लेंडर प्लस. कलर ऑप्शंस की बात करें तो इसके टोटल चार कलर ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल हैं. ये जो आप देख रहे हैं ये आपका ब्लैक विथ स्पोर्ट्स रेड, सेकंड वन इज ब्लैक विथ सिल्वर, थर्ड वन इज ब्लैक विथ पर्पल, फोर्थ वन इज हेवी ग्रे विथ ग्रीन. बाइक के वेट के बारे में बात करें जो कि 112 किलो है. इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 165 mm का है एंड व्हील बेस जो है वो 1236 mm का है. शुरुआत करते हैं फ्रंट से. आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हीरो स्प्लेंडर प्लस का स्टिकरिंग है और वाइजर में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बस थोड़ा सा ग्राफिक में चेंजेस है. और यहाँ पर आपको हेलोजन बॉल देखने को मिल जाता है. ब्लिंकर्स पर भी आपको हेलोजन बॉल मिल रहा है. फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिल जाते हैं. मडगार्ड की पेंट क्वालिटी काफ़ी हद तक सही है और यहाँ पर आपको IBS का स्टिकरिंग देखने को मिल जाता है. ये जो रिफ्लेक्टर्स हैं ये आपको बोथ साइड्स में मिल रहे हैं. फ्रंट में आपको जो टायर मिल रहा है वो 80x100 का है जो कि सीएट कंपनी का है और ये ट्यूबलेस टायर है. कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आप लोग देख सकते हैं ये दो पार्ट में डिवाइडेड है और ये फुल्ली एनालॉग है. इस साइड में आपका स्पीडोमीटर है और उसके नीचे आपका ओडोमीटर और उसके नीचे ही आपका साइड स्टैंड इंडिकेटर है. उसके बाजू में ही आपका ICS का इंडिकेटर और इस साइड में आपका फ्यूल इंडिकेटर है. नीचे आपका न्यूट्रल लाइट और ये जो है आपका इंजन चेकअप लाइट है और ये हाई बीम का इंडिकेटर है. और यहाँ पे जो बोथ साइड्स में छोटे छोटे लाइट्स हैं ये आप देख सकते हैं. टर्न्स लिखा गया, मतलब लेफ्ट टर्न के लिए ये वाला लाइट, राइट टर्न के लिए ये वाला लाइट. कमिंग टू द स्विच सेक्शन, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी फिट एंड फिनिश स्विच है. यहाँ पे आपका टर्न सिग्नल का स्विच, नीचे आपका हॉर्न का स्विच है और यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हैं क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ICS का स्विच है. तो ICS का जो काम है वो मैं आपको राइड के दौरान बता दूंगा. और नीचे जो सेल्फ का स्विच है उसमें भी थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, ये अभी थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है मुझे. फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 9.8 लीटर है जो कि लगभग 10 लीटर के आसपास ही है. फ्यूल टैंक के ऊपर आपको अच्छा सा ग्राफिक देखने को मिल जाता है और उसके नीचे ही हीरो का स्टिकरिंग है. तो ये इंजन BS6 कंप्लायंट है जो कि 100cc का है और ये फ्यूल इंजेक्टेड टेक्नोलॉजी के साथ ही आता है. पावर फिगर्स की बात करें तो ये इंजन 8000 RPM में 7.9 BHP का पावर प्रोड्यूस करता है एंड 6000 RPM में 8.5 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. इसमें आपको स्टील का लेग गार्ड मिल रहा है. तो इंजन के ऊपर ही आपको एक टूल बॉक्स मिल रहा है जो कि काफ़ी प्यारा दिख रहा है मुझे. और यहाँ पर पावर स्टार्ट का स्टिकरिंग है, उसके नीचे ही प्रोग्राम्ड FI का स्टिकरिंग है. तो इसको एक बार खोल के इसका स्पेस मैं आप सभी को दिखा दे रहा हूँ. इसमें आपको इतना स्पेस मिल रहा है और ये डायरेक्टली ओपन हो रहा है. मैंने इसको इसलिए खोला क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा था. इंजन के ऊपर ये एक छोटा सा एड ऑन है, आप देख सकते हैं हीरो जो है वो ब्लैक कलर में है तो ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है मुझे. तो ये रहा आपका कैटलिटिक कन्वर्टर और एक छोटा सा चेंजेस है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पीछे का ब्रेक है उसके साइड में ही आपका एक छोटा सा प्रोटेक्टर है जो कि आपके शूज को बचाएगा इंजन के हीट से. तो ये एक छोटा सा एड ऑन है, ये भी मुझे अच्छा लगा. साइड पैनल्स के ऊपर वही पुरानी चार्म बाकी है. पुरानी चार्म इन द सेंस जो स्प्लेंडर प्लस लिखा गया है ये आपका 3D में है और उसके नीचे ही ICS का स्टिकरिंग है. रियर में जो टायर है वो 80x100 का है, ये भी सीएट कंपनी का है और ये भी ट्यूबलेस टायर है. एंड रियर में आपको जो सस्पेंशन मिल रहा है ये 5-स्टेप एडजस्टेबल है. और लास्ट वीडियो में किसी ने कमेंट किया था एडजस्ट कहाँ से होता है, तो भाई ये आपका काम नहीं है, ये यहाँ से एडजस्ट होता है जो कि मैकेनिक का काम है भाई. एग्जॉस्ट के ऊपर जो मफलर कवर है ये स्टील का है जिसमें आपका क्रोमिंग किया गया है
वो आपको कैसा दिख रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। रियर में जो ग्रैब रील है वो काफ़ी स्ट्रांग है क्योंकि ये स्टील का है और यहाँ पे आप अपना लगेज कैरी कर सकते हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है सभी के लिए। रियर में जो टेल लाइट है इसमें भी आपको हैलोजिन बॉल देखने को मिल जाता है और उसके ऊपर ही आपका हीरो का स्टिकरिंग है। सीट का कंफर्टेबल एंड हैंडलिंग, ये बहुत चीज़ें मैं आपको राइड के दौरान शेयर करने वाला हूँ। जेंटलमैन, लेट्स स्टार्ट द इंजन। काफ़ी यार, मतलब बहुत ही सही से स्टार्ट हुआ है, फटाक से स्टार्ट हो गया गाड़ी। तो इसका एग्जॉस्ट नोट आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अभी मैं इसका इनिशियल पिकअप एक बार चेक करूँगा। यार अकॉर्डिंग टू बाइक इनिशियल पिकअप बहुत ही सही है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है मेरी तरफ से। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि i3s का मतलब होता है इंटेलिजेंट स्टार्ट एंड स्टॉप, तो वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ क्या सिस्टम है। तो जैसे ही आप लोगों ने देखा अभी स्टार्ट बंद हो गया है, बाइक न्यूट्रल पर है, i3s का लाइट ब्लिंक हो रहा है और यहाँ पे i3s का स्विच ऑन है इसलिए ये ब्लिंक हो रहा है। तो आपको बस इतना करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, सेल पर हाथ नहीं लगाना है, बस क्लच को थोड़ा सा दबा देना है। आपने देखा बाइक स्टार्ट हो गया, तो ये चीज़ एक बहुत ही अच्छा फीचर है इस बाइक में। तो ये फीचर आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्योंकि स्प्लेंडर में ये नया ऐड हुआ है अभी। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। मैंने खुद इस बाइक को 150-200 किलोमीटर तक चलाया है, तो बैक पेन इतना नहीं होता है क्योंकि बाइक का सिटिंग पोजीशन बहुत ही सही है, सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, हैंडलिंग आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ है। तो बाइक को मैनुअल करना बहुत ही इजी है, आप देख सकते हैं काफ़ी इजीली मैं बाइक को मैनुअल कर सकता हूँ। तो अभी मैं इसका ब्रेकिंग एक बार चेक कर लूँगा। तो सबसे पहले पीछे का ब्रेक एक बार चेक कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है क्योंकि इसमें आपको IBS का ब्रेकिंग सिस्टम मिल रहा है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। मतलब जैसे ही मैंने पिछला वाला ब्रेक दबाया तो एट ए टाइम सामने का ब्रेक भी काम किया। तो इस फीचर की मदद से एक्सीडेंट थोड़े से कम होने वाले हैं। तो ये फीचर बहुत ही इनिशिएटिव है क्योंकि काफ़ी सारे बाइक्स में ये आने लगे हैं, तो मुझे ये चीज़ बहुत ही अच्छा लगा। तो सामने का जो ब्रेक है उसका बाइट एक बार चेक कर लेंगे, बाइट गुड, अच्छा लगा। देखो यार, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, इसमें आपको ड्रम का ब्रेकिंग सिस्टम मिल रहा है ना कि डिस्क का, तो इसका रेस्पॉन्स ड्रम के हिसाब से होगा। तो मेरी तरफ से क्वाइट गुड, अच्छा है ब्रेकिंग सिस्टम। तो यार देखो, स्प्लेंडर, प्लैटिना, ये सारी जो बाइक्स है ना, लोग खरीदते हैं एक चीज़ के लिए, कंफर्टेबल लॉन्ग ड्राइव लेके जा सकते हैं, और बाइक देखो अफोर्डेबल प्राइस है, अच्छा माइलेज दिखाता है। तो इसमें आपको टोटल 4-स्पीड गियर बॉक्स मिल रहा है, क्लच का रेस्पॉन्स काफ़ी हद तक सही है, गियर भी बहुत इजीली शिफ्ट हो रहा है। तो देखो यार, मतलब सारी चीजें ना बाइक के हिसाब से बनाई जाती है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है अकॉर्डिंग टू प्राइस बाइक बनाए जाते हैं, तो कंपैरिजन बहुत ही डिफरेंट है। तो कोई मुझे बोलेगा कि यार इसको कंपेयर करो सुपर स्प्लेंडर के साथ, तो यार दोनों में बहुत डिफरेंस है क्योंकि वो 125cc है, ये 100cc का गाड़ी है। तो इस बाइक का थ्रॉटल का रेस्पॉन्स एक बार देख लेते हैं। तो अभी जो इंजन है ये BSS कंप्लाइंट हो चुका है विथ फ्यूलजेटेड टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से बाइक का जो पावर है थोड़ा सा ज़्यादा फील होता है। तो थ्रॉटल रेस्पॉन्स मुझे काफ़ी तक सही लगा क्योंकि इस बाइक में मैं ऐसा है ना दोनों पैर रख के खड़े होकर बाइक को आगे जाने दे सकता हूँ, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा मत करना, बस मैंने बोला है। तो और एक चीज़ मैंने आपको बताया था, साइड स्टैंड इंडिकेटर मिल रहा है, तो देख लीजिए एक बार, अभी जो ये लाइट जल रहा है क्योंकि साइड स्टैंड ऑन है, तो आपको पता चल जाएगा अगर बाइक का साइड स्टैंड ऑन है तो आप उसे बंद कर सकते हैं। तो कुछ कुछ फीचर्स हैं जो आपको बहुत ही हेल्पफुल करता है। तो मैंने भी ये चीज़ देखा है कई सारे बाइक्स में क्योंकि लोग साइड स्टैंड मारना भूल जाते हैं, तो ये भी एक अच्छा फीचर है मेरे हिसाब से, मुझे भी अच्छा लगा। तो ब्रेक लगाकर भी मैं सस्पेंशन बता सकता हूँ लेकिन सस्पेंशन का मज़ा हम्स में पता चलता है मुझे, तो मुझे ये चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट लगता है इसलिए मैं हम्स का इंतज़ार कर रहा हूँ।
स्मूथ है यार, इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, वीडियो पे कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, याद से बेल आइकन पे क्लिक कर देना। टिल देन बाय बाय, राइट सेफ, वी आर ऑल लगर्स। I just wanna be home, feel like I'm all alone and I need to do it on my own. I just wanna be known, I just wanna be home, feel like I'm all alone and I need to do it on my own, yeah. I live for music, yeah, I love to do it, yeah.